Assalamualaikum my social media family, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ बनाना ब्रेड की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान, मज़ेदार और सॉफ्ट है। तो इस रेसिपी के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना ब्रेड बनाना। जी तो बनाना ब्रेड में विदाउट ओवन बना रही हूँ। तो विदाउट ओवन बनाने के लिए आपको एक देचकी चाहिए होगी, कोई भी पुरानी देचकी आप ले लें, और उसके अंदर नमक डाल दें। नमक जो है वो ज़्यादा डालिएगा कि ये सारा साइड्स इसके कवर हो जाएं। और फिर इसके अंदर कोई भी आप स्टैंड रख दें, ये मेरे पास पुराना सा एक स्टैंड साइड रिंग है, अब मैं ये रख देती हूँ इसके अंदर। मैं हमेशा इसके अंदर ही बेकिंग करती हूँ, इसलिए इस रिंग की ये हालत हो गई है। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड रख सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे, हम कवर करके चूल्हा जलाकर इसको रख देंगे ताकि ये प्री हीट हो जाए। ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है, अब मैं आग जलाकर इसको रख दूंगी प्री हीट होने के लिए। ये देखिए इस फ्लेम पर जो है मैं इसको रख दूंगी, तब तक हम बैटर बना लेते हैं जब तक ये प्री हीट हो रहा है। तो बैटर बनाने से पहले हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। उसके लिए हमें पहले बटर पेपर कट करना है, तो मैं मोल्ड को उल्टा करके, ये देखें ये बटर पेपर मैं इस तरह से रख लूँगी इसके ऊपर। अब ये देखें ये साइज़ मैंने बटर पेपर का ले लिया है, अब मैं इसको सीजर से कट कर दूँगी। ये देखें मैंने मोल्ड के साइज़ का बटर पेपर कट कर लिया है, अब मैं मोल्ड को ग्रीस करूँगी। मोल्ड को ग्रीस करने के लिए इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डालें, ये ऑयल ज़्यादा हो गया, ये मैं निकाल लूँगी। ये देखिए एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया है, अब ये जो रिमेनिंग ऑयल है इसके अंदर इसको मैं अच्छे से पूरे मोल्ड में फैला दूँगी। ऑयल मैंने अच्छी तरह से ये चारों तरफ फैला दिया है, अब मैं इसमें बटर पेपर रखूँगी जो हमने कट किया था। बटर पेपर को अच्छी तरह से सेट कर लें इसमें इस तरह से। ये देखिए बटर पेपर को मैंने बिल्कुल हाथों की मदद से प्रेस करके मोल्ड के साथ लगा लिया है। अब हम बैटर बनाते हैं। तो बनाना ब्रेड के लिए हमें चाहिए 3 बनाना, आधा कप मक्खन, 1 कप मैदा, 1 अंडा, आधा कप ब्राउन शुगर, आप चाहें तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट शुगर अगर आप यूज़ करेंगे तो आप उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। ये 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, सिर्फ एक चुटकी भर सॉल्ट लिया है मैंने, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1 चम्मच वेनेला एसेंस लेंगे हम। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। ये दालचीनी पाउडर और सॉल्ट मैं इसमें डाल दूंगी, और साथ ही बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दूंगी। ये बेकिंग पाउडर भी इसमें चला गया, अब इसको मिक्स करके छान लें। मैंने मैदा ऑलरेडी छाना हुआ है तो इसलिए मैं इसको छान नहीं रही, जस्ट इस मिक्स कर रही हूँ। अगर आपने दालचीनी पाउडर खुद घर में पीसा है तो आप उसको भी छान लीजिएगा। जी तो ये ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मैंने मिक्स कर लिए हैं, अब इसको मैं साइड पर रख दूँगी और बनाना मैश कर लूँगी। बनाना आप इस तरह से कांटे की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। ये देखें ये बहुत इजीली मैश हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं बनाना इस वजह से। अगर आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से सारे बनाना जो है वो हम मैश कर लेंगे। जी तो ये बनाना हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं, अब इसको भी हम साइड पर रख देंगे। जी तो अब मैंने ये 1/2 कप बटर बाउल में निकाल लिया है, अब मैं इसको बीट करूंगी। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं। ध्यान रहे बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। बटर को इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी हो जाए। ये देखें बटर फ्लफी हो गया है, ये तकरीबन मैंने 5 मिनट बीट किया है, ये बटर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड करूंगी, ये ब्राउन शुगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और अब मैं इसको बीट करूंगी इतना कि ये ब्राउन शुगर अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो जाए।
देखिए बटर हमने इतना बीट किया है कि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो गया है। अब मैं इसमें ये एग डालूंगी, ये भी रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा एग नहीं डालेंगे हम। एग मैंने इसमें तोड़ के डाल दिया है, अब मैं इसको भी थोड़ा सा बीट कर लूंगी। अब मैं इसमें एक चम्मच वेनिला एसेंस डालूंगी और मैश किए हुए बनानास भी डाल दूंगी। बनाना भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अब मैं 2 मिनट तक और इसे बीट चलाऊंगी। अब बीटर का काम हो गया है खत्म। अब हम स्पैचुला से इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालती जाऊंगी और स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करती जाऊंगी। ये देखें ऐसे। कभी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बीटर से कभी भी बीट नहीं करते, इससे ब्रेड या केक आप जो भी बनाएं वो खराब हो सकती है। रेडी कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा मैदा इसमें ऐड कर दिया था, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मोल्ड जो हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था और बटर पेपर भी लगाया हुआ था हमने इसमें, अब हम इसमें ये सारा मिक्सचर डाल देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें ऑयल और मैदा डस्ट करके भी मोल्ड को ग्रीस कर सकते हैं। जी तो सारा मिक्सचर मैंने मोल्ड में डाल दिया है, अब मैं मोल्ड को 2 से 3 बार इस तरह से टैप करूंगी। जी तो ये अब बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। जो पतीला हमने ऑलरेडी गर्म किया था उसके अंदर हम इसे तकरीबन 40 मिनट तक बेक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। स्टार्ट में 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम रखिएगा, उसके बाद फ्लेम स्लो कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी ब्रेड जल भी सकती है। पतीला हमारा प्री हीट हो गया है, ख्याल से ध्यान से इसमें रखिएगा, आपका हाथ भी जल सकता है। ये मैंने इसके सेंटर में रख दिया है, इसको कवर करके इसके ऊपर कोई भी भारी चीज रख देंगे। वजनी चीज इसके ऊपर मैंने रख दी है, वजनी चीज रखने से ये होगा कि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, इसके अंदर एयर नहीं जाएगी। तकरीबन 40 मिनट बाद मैं इसको निकालूंगी। अभी ये फ्लेम इतनी है, 10 मिनट बाद मैं इसकी फ्लेम थोड़ी और लो कर दूंगी। अब हम फ्लेम स्लो कर देंगे, ये देखें इतनी फ्लेम कर देंगे हम, और अब इसको 20 मिनट बाद चेक करूंगी मैं। 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ। देखिए मेरे पास टूथपिक है, ये मैं टूथपिक डाल के इसको चेक करूंगी। ये देखें ये बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब है कि ये ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अगर टूथपिक पे कुछ भी थोड़ा सा लगा हुआ हो मिक्सचर, तो मतलब आप इसको थोड़ी देर और रख दीजिएगा, तकरीबन 5-10 मिनट और रखिएगा, उसके बाद चेक कर लीजिएगा। तो ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है, चूल्हा में बंद कर दूंगी और इसको अब हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। जी तो ब्रेड रूम टेम्परेचर पर आ गई है, मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, अब मैं इसे डीमोल्ड कर लूँगी। अगर आपकी ब्रेड साइड से चिपकी हुई है तो आप इसको नाइफ़ की मदद से निकाल लीजिएगा, मेरी ब्रेड ने साइड छोड़ दिए थे। और इसको उल्टा करके इसका बटर पेपर भी उतार दें। अब मैं आपको ब्रेड कट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आप इस ब्रेड को टी टाइम स्नैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ये टी टाइम में बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की ब्रेड बनी है।
जी तो ब्रेड मैंने कट कर ली है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें आप, जरा इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।